हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि यूजीसी की ओर से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और ये नया नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 11 मई यानी कल ही के दिन रिलीज़ हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये नया नोटिफिकेशन हम लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो यूजीसी ने इस नए नोटिफिकेशन में जितनी भी देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ है उन सभी के लिए एक गाइडलाइन निकाली है और इसीलिए सभी टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, चाहे आप किसी भी कॉलेजेस में पढ़ते हो, चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट्स हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो या एक्सेप्ट इसके किसी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, तो आप सभी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बन जाता है। चल क्या रही है बात, आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर अभी COVID-19 के जो सेकंड वेव है वो काफ़ी ज़्यादा पैंडेमिक हो रखी है और जिसके कारण यूजीसी का कहना है कि जो फेक न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। ये नोटिफिकेशन बेसिकली उसके ही क्लियरिफिकेशन के लिए निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरिफिकेशन ऑन इनकरेक्ट न्यूज़ इन मीडिया रिगार्डिंग यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन। क्या बात हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि जो यूजीसी है उसने एक गाइडलाइंस निकाली है एग्जामिनेशन को लेकर, ऐसी गलत न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो रही है। ये किसका कहना है, यूजीसी नेट का कहना है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर आपने ये नोटिफिकेशन कहाँ से निकाला, हमें भी देखना है, हमको भी डाउनलोड करना है। तो आज की इस नई वीडियो में हम ये भी जान लेंगे कि कैसे आप लोग इस नई वीडियो तक, इस नई नोटिफिकेशन तक आप पहुँच सकते हैं। तो चले गाइस, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो प्रोफेसर रजनीश जैन है यहाँ के सचिव यूजीसी नेट के, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो यूजीसी नेट का एक आप समझ सकते हो एक स्टैम्प पैड जैसा होता है उसमें ये नोटिफिकेशन निकाला गया है एज यूजुअल। और यहाँ पर क्या कहा गया है आप सिंपली उसको समझने का प्रयास करेंगे। इट हैज़ टू कम आवर नोटिस दैट एन इनकरेक्ट न्यूज़ गाइडलाइंस यूजीसी ऑन एग्जामिनेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड इन सम प्रिंट ऑन डिजिटल मीडिया। क्या हो रहा है कि जो डिजिटल मीडिया है हमारा इंडिया का, वहाँ पर फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है कि भाई यूजीसी नेट ने क्या किया है कि भाई अपनी गाइडलाइंस दी है किस चीज़ को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर, और वो प्रिंट माध्यम से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फैल भी चुका है। बहुत ज़्यादा बच्चे तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये बात आ भी गई थी कि हमारे एग्जामिनेशन मई में ही होने वाले हैं। और इसमें बात ये भी कही गई है, आप नीचे पढ़ेंगे कि फिज़िकल एग्जामिनेशन की, फिज़िकल एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते भी हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बच्चे अब आप सोचेंगे कि क्यों चाहते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो बच्चे एग्जामिनेशन फिज़िकल इसलिए चाहते हैं क्योंकि लास्ट ईयर जब एग्जामिनेशन हुआ, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया, बहुत सारे बच्चे SOL, NCVAP और रेगुलर कॉलेज के भी स्टूडेंट्स थे, उनको एक बात की कंसर्न रही कि सर हमने कई दोस्तों ने एक साथ बैठकर एक घर में एक जैसे आंसर लिखे लेकिन जब हमारे मार्क्स हमने देखे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर हमें एक प्रॉब्लम ये भी देखने को मिली कि जो कई बच्चे हैं उनकी ER आ गई, पहले तो रिजल्ट ही उनका अवेटेड लिखा आ रहा था और बाद में जब उनका रिजल्ट पूरी तरीके से अगर क्लियर भी हुआ भी तो उसमें ER आ गई। अब ER आने का मतलब क्या बनता है, जब दो बच्चों ने एक जैसा एग्ज़ाम दिया तो बच्चों को इस बात को लेकर भी कंसर्न है। और इसी कंसर्न को लोगों ने फ़ायदा उठाकर क्या किया, जो फेक न्यूज़ है उसको UGC की गाइडलाइन बनाकर बताकर उसको बहुत ज़्यादा प्रिंट माध्यम से पब्लिश कर दिया गया है और ये बहुत लोगों तक फैल भी गया है। तो यहाँ पर UGC ने डायरेक्टली एक बात कही है कि UGC हैड इशूड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर। 6 मई को जो UGC है उसकी ओर से एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो उस कैलेंडर के हिसाब से UGC अपना पहले स्टार्टिंग में चल रहा था लेकिन इस समय COVID-19 की सेकेंड वेव है जिसके कारण आपने देखा कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी करने पड़ी। क्यों पोस्टपोन करने पड़े, क्योंकि बहुत जगह दिल्ली में, दिल्ली के बाहर या देश के तमाम विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है इस वजह से। और UGC ने भी ये बात कहा है डायरेक्टली कि भैया जो पूरा का पूरा मई का मंथ है इसके अंदर आप कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स से बचने की कोशिश करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली क्लियरिफाई कर दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट में अंत में UGC ने एक बात और कही है, आप इसको भी देख सकते हैं। इन व्यू ऑफ द न्यूज़
सर्कुलेटिंग इन प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो न्यूज़ है डिजिटल मीडिया में जितना ज़्यादा प्रिंट हो रहा है, इट इज़ क्लियरफाइड दैट द UGC हैज़ नॉट येट इशूड एनी गाइडलाइंस, यानी अब तक UGC ने कोई गाइडलाइंस नहीं दी है। अब तक सिर्फ 6 मई का ही नोटिफिकेशन है, जो मैं आपको इस वीडियो में भी थोड़ा सा लास्ट में दिखा दूंगा, आप उसको देख लेना। बाकी उसके बारे में मैंने ब्रीफली आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया, आप उसको देखें। और साथ ही साथ एग्जामिनेशन जो है रिसेंटली अगर आप न्यूज़ देखोगे वो क्या है, जो भी स्प्रेड हो रही है वो इनकरेक्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ या फिर देश के तमाम यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टली भी कह दिया है कि 1 जून है उस तक एग्जामिनेशन की कोई बात नहीं है, और एग्ज़ाम की अभी कोई भी डेटशीट नहीं आई है। अगर आप तक कोई डेटशीट पहुँच रही है तो ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, आप उसको ना माने, अभी आप इंतज़ार करें। तो अब बात हम इसकी कर लेते कि आप इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, इस वीडियो का सेकंड पार्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये नोटिफिकेशन चाहिए, आप कहां से लेकर आए हो। तो चले गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में PC लैपटॉप स्मार्टफोन जो भी आपके पास में स्मार्ट डिवाइस है उसके अंदर आप लोगों को गूगल ओपन करना होगा। सो गाइज, जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल फोन में PC लैपटॉप स्मार्टफोन जो भी आपके पास में स्मार्ट डिवाइस है उसमें गूगल ओपन करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पर लिख के सर्च करना है सिंपली UGC। जैसे ही आप UGC लिख के सर्च करेंगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपके पास में एक नीचे लिंक आएगा वेलकम टू UGC न्यू दिल्ली इंडिया, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये UGC की है। ये थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ देखनी हैगी कि ये स्लो चलती है, मे बी ऐसा हो सकता है थोड़ा टाइम ले सके, थोड़ा टाइम ले ले आपके फ़ोन में ओपन होने में। इसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे UGC के बहुत सारे नोटिसेज हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 मई का नोटिफिकेशन है और अब ये सीधा अप्रैल का है, तो नोटिफिकेशन छूट गया। तो ऐसी इस केस में आपको कुछ सो गाइज, आप यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप बैक आइए एक स्टेप, बैक आने के बाद में या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप आएंगे ना फटाफट आपको आना है नीचे, और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर कहीं भी आप एक बार क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये क्या होगा कि ऐसे रुक जाएगा, अगर आप इस बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक करोगे तो ये दोबारा चलने लगेगा, दोबारा से बॉक्स में क्लिक करो तो आप लोग ये रुक जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 11 तारीख का जो ये नोटिफिकेशन है आपको इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है क्योंकि आपको दिखाया भी है, तो मैं इसको अगेन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये डाउनलोड हो गया, ये आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था, यही पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब बच्चे एक बात ये भी पूछ रहे हैं कि सर जी क्या हमारे एग्जामिनेशन को लेकर UGC या फिर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है गवर्नमेंट्स है उनको उनका क्या कहना है, क्या हमारे एग्जामिनेशन मई के महीने में हो सकते हैं ऑनलाइन ही सही। तो इसका जवाब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो मेरा आपको नहीं है कि अभी जो मई का टाइम है इस टाइम पे आपके एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं है। जून कहा जा सकता है, जून के लिए कई यूनिवर्सिटीज़ ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ ने टॉप क्लास उन्होंने नोटिफिकेशंस भी निकाले हैं आप लोगों के लिए कि भाई जून में हो सकता है। और 1 जून के लिए आपको पता है कि 15 मई से पहले एग्ज़ाम थे, लेकिन एग्ज़ाम को क्या किया गया, 2 वीक्स के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, और 2 वीक जब इसको डेट इसकी बढ़ा दी गई तो 1 जून से ही ये बात नोटिफिकेशन में आई है कि शायद आपके एग्ज़ाम उससे होंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ कि ये डेट भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली में जिस हिसाब से केसेस बढ़े हैं, जिस हिसाब से केसेस कम अगर होने भी स्टार्ट हुए तो सरकार कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं बरतेगी। और साथ ही साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर हैं उनको भी कंसर्न है, तो वो भी अभी अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे। तो विद इन आर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों के लिए कोई भी नया अपडेट आता है या यूनिवर्सिटी की ओर से या कुछ और बातें तो मैं आपको लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ गाइज़ आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और साथ ही साथ आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, और आप लोग चाहते हैं कि और भी लोगों को ऐसी वीडियो का लाभ मिल सके तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो आज की अपनी इस वीडियो को, और साथ ही साथ आगे के अपडेट्स के लिए कर सकते हो, ताकि जो आगे आप लोगों के लिए अगर कोई भी नया अपडेट आए तो मैं वो फटाफट आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊं। तो चले गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।